असलम नाज़रीन, न्यूज़ बॉस के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूँ नज़र। मुल्क भर में आज योम दिफा और शहदाए पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इसी मुनासिबत से कराची में मज़ार कायद गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब के मेहमान खसूसी PAF अजहर खान अकेडमी के एयर ऑफिसर कमांडिंग और एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़ हैं। गार्ड की तब्दीली की तकरीब में 7 खवातीन समेत 57 कैड्स ने हिस्सा लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सरदार अबुल रज़ाक का दावा है कि पुलिस परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के वक्त उनकी गाड़ी भी साथ ले गई। वकील के मुताबिक पुलिस ने परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी उनकी गाड़ी में डाली। जब पुलिस लाइन के गेट पर पहुंची तो परवेज़ इलाही उनकी गाड़ी में। परवेज़ इलाही के वकील ने मज़ीद कहा कि पुलिस मुझे बाहर निकाल कर गाड़ी साथ लेकर चले। अमरीकी में महकमे खारजा विदान पटेल का कहना है कि हम इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वाशिंगटन में प्रेस की ब्रीफिंग के दौरान PTA चेयरमैन की गिरफ्तारी और साइफर पर सवाल किए गए, जिस पर विदान पटेल ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी और इस मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, किसी एक खास मामले के बारे में हम नहीं बोलेंगे। विदान पटेल का ये भी कहना था, जैसा कि हमें बात करते हुए सुना गया है कि हम अपनी कांग्रेस के शराकत दारों के साथ बहुत से मामलों पर मशावरत करते हैं। सर्दियों के बिजली बिलों में कमी के बजाय इजाफे का इम्कान। टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए सार्फीन पर मजीद बिजली गिराने का फैसला किया गया है। IMF शराइत बिजली की बुनियादी ड्राफ्ट में 5 रुपये इजाफे पर गौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर से दिसंबर तक के बिलों में टैक्सों में मजीद इजाफे की तैयारी की जा रही है। IMF FBR के नेरवा माली साल के दौरान बिजली सार्फीन से 734 अरब रुपये वसूल करने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त को फैसला महफूज कर लिया, जिसे चीफ जस्टिस ने अपनी रिटायरमेंट से खबर सुनाने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में और जस्टिस महमूद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाज की। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन PTI के खिलाफ फौजा हारिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने नैब की रिपोर्ट पढ़ी है। नैब ने मई तक वापस होने वाले रेफरेंसेज की वजूहत बताई। रेफरेंस वापसी की वजूहत से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानेब। सियालकोट के इलाके मॉडल टाउन अगोगी में 6ठा अवामी फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में MMT क्रिकेट क्लब दुबई ग्रुप ने इलामा 11 समरियार को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट मॉडल टाउन अगोगी के यंगस्टर ग्राउंड में खेला, जबकि मेहमान खसूसी की आमद इन्हें फूलों के हार पहनाए गए और खुश आमदीद कहा गया। इस मौके पर चीफ गेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राना अब्दुल सत्तार चीफ गेस्ट थे। रिपोर्ट करें न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे जुबैर। शेखुपुरा से 8 किलोमीटर दूर गुजरांवाला रोड पर वाक़ एक तेल की एजेंसी में अचानक आग लग गई। आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। आग बेकाबू हो गई और इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करिए न्यूज़ बॉक्स के नुमाइंदे सैयद जफर आवाज। बरतानिया ने रूसी निजी मलेशिया विंग्स ग्रुप को दहशत तंजीम करार देकर पाबंदी का फैसला कर लिया है। बरतानिया की जानिब से आयद करदा पाबंदी के बाद विंग्स ग्रुप में शामिल होने या किसी भी तरह इसकी मदद को एक जर्म तसव्वुर किया जाएगा। बरतानिया मीडिया का इस हवाले से कहना है कि बरतानिया के पार्लियामेंट में विंग्स ग्रुप पर पाबंदी से मुतालिक एक ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, जिसकी मंजूरी के बाद रूसी निजी मलेशिया को दहशतगर्द तंजीम करार देकर इसके असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। एशिया कप में अफगानिस्तान को सनसनी खेज मुकाबले में शिकस्त देकर श्रीलंका सुपर फोर पर धरने में पहुंच गया। एशिया कप वनडे के 6ठे मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 2 रन से शिकस्त देकर सुपर फोर पर धरने के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर में खेले गए मैच में श्रीलंकन कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने मुकर्रा 50 ओवर्स में 8 विकेटों पर 291 रन बनाए। कौशल मेंडिस 92 रन बनाकर नुमाया रहे। और वज़ीर आला पंजाब का IG पंजाब के हमरा अचानक सिविल अस्पताल का दौरा। अस्पताल की हालत ज़ार पर मायूसी का इजहार। जल्द अस्पताल बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। वज़ीर आला पंजाब का अपने दौरे सियालकोट के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी CNW भी वज़ीर आला के दौरे पर मौजूद थे। खातून की शिकायत पर पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ एक्शन लिया गया। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब का गवर्नमेंट इलामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल का भी अचानक दौरा किया। न्यूज़ बॉक्स के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए।